इस वीडियो में हम दो शिक्षण बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनमें पहला शिक्षण बिंदु रहेगा सन 1857 ईस्वी की क्रांति में। उस समय राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे, और दूसरा बिंदु रहेगा क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। सबसे पहले हम देखते हैं तत्कालीन समय में राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है इसकी रियासत थी, उनमें शासक कौन कौन थे। देखिएगा कोटा रियासत, कोटा रियासत में राम सिंह तत्कालीन समय में शासन करते थे। जोधपुर रियासत में तख्त सिंह वहाँ के शासक थे। भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत में उस समय राम सिंह द्वितीय के नाम से शासक हुआ करते थे। सिरोही रियासत में शिव सिंह शासक थे। धौलपुर रियासत के शासक थे भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत में सरदार सिंह। करौली रियासत में मदन पाल। टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला। ध्यान रहे टोंक रियासत जिसमें मुस्लिम शासक था, ये एक अपवाद है, बाकी में सभी में हिंदू शासक थे। बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह। अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह। जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत इसमें शासक थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत में थे उदय सिंह। इन रियासती शासकों के बाद अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तत्कालीन रियासतों के शासनकाल में 1857 क्रांति के दौरान ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो इसमें सबसे पहले हम फिर कोटा को रखेंगे। कोटा रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त थे मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत में मैक मैसन। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। जयपुर रियासत के ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे। उदयपुर रियासत में सावर्ष और सिरोही रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे J.D. हॉल। राजस्थान के उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रविष्ट हो रहे हैं, इस टॉपिक में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। यदि आपको भी ऐसा लगता है और आने वाले समय में इसी प्रकार की और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें और उसमें ऑल सेलेक्ट करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।